खेती कर दो, आपा दिन में खेती नहीं देंगे दिन ठेके लेने भी ठीक है। तो यह कंटैक्ट फार्मिंग एक कानून बनाया भी जरा बंदा ठेके देता है वो वास्ते आ चीज़ है कि वो कानून देखो वो सरकार ने बनाया है कि किसान के हथ होते जो मजबूत किए ठेकेदार के नहीं किए डिटेल लिखा तो पहले किसी एक कांग्रेस किसान के हथ में किसान बिल तो कुछ और कहते वकील बुला लेने तू बंदे 750 तसल्ली कराने का मजा आवे ठीक है जी रख लो टाइम रख लेने जी आप इतने डिबेट कर लेने कदे नहीं जी तुम दसो इस तरह कर जुम्मे ला दो असिक साहब जुम्मे ला दो मैं टाइम रखना छोड़ वकील का अपन जानकर है ना बिलकुल व्हाट्सएप से सारी चीज से कानून पे है वकील को जाके दस दे कंटैक्ट फार्मिंग का कानून है वो दस किसान नु की कहंदा ठेकेदार नु की कहंदा नहीं जी वो तो एक मिनट गल सुनो आपां उन्हां नु पुछणा नहीं है आपां इत्थे थोनू पुछणा है तो मजबूरी कोई मेरे ते इतबार नहीं कर रहे ना मजबूरी की है सानू मजबूरी दस रही सरकार कानून बनांदी नहीं सरकार कानून अज दी घड़ी सुन लो सरकार कानून नु वड्डे के कोरोना दी बीमारी वड्डी है तुसी ना एक तां ना जिद्दी बहुत क्यों जिद्दी है जेड़ी तोड़े नाल नहीं है जी बैठ के कह दे मेरी गल सुन ठीक है जी मैं तुहानू कदों मिला जी दसो आपां डायलॉग कर रहे हां मजबूरी सरकार कानून बनाती है पहला तो इन्हें कानून से माड़ा की देख लो कंटैक्ट फार्मिंग का देखो तुम सू जिद्दी कहने माफ करना तुम मेरे बड़े हो मैं एक मिनट उसे कुछ जी तू ना पहला था आज ही 100 बंदे ले आई टाइम तो सुनो किन्नू मिला जी आज ही नहीं किन्नू मिला फिर से तुम्हें मिला मैं मिली मैं सीधा से करना था एक मिनट जिम्मे ज्यादा मेरी गल सुन मैं यार एक गल मेरी सुन लगा नहीं जानता इलाके दे इस इलाके दे जेड़े मेरे इलाके दे 1000 बंदा ले आई सुन यार पाँच नकल ना करे वकील ने आने पांच दस मेरा गल कर लें जे कानून दे विच नुक्स होवे राजनीति छड़ जाण होर बोल चलो ठीक है जैसा कदो माफ करना एक मिनट अगर राजनीति छड़ी मैं कदो करना करंदा जिस वेले तुसी आदा तुहाडा 100 बंदा प्रोग्राम बन जाए मैनू फोन करके आप जानी साहब को टाइम ले ला पर आ तुसी कहो दे दित्ती है लिखो नंबर तुसी वड्डी जिल मैं ना आ ता ओ अलग गल है तुसी कल कानून दी हो गल करेंगे जी कादे हते एक मिनट जी नंबर ले ली बोलदे सर 99172 99172 7900 पांच वकील बना लेने 500 बंदा ले ठीक है जी मैं तुहानू कॉल करंगा जी सर तुहाडे को इंतजाम हो जावे इंतजाम बंदियां ने इंतजाम तुसी मैनू मैं मेरे नाल 5-4 वकील बैठेंगे ऐस कानून ते कोप करांगे पूरी यार मैं राज्यपाल सुन मेरी गल सुन राज्यपाल नु नहीं बोलन दिता मैं गल मुक्की छड्डो जी ओ तो कौमर साहब तो नहीं बोलया गया जी राज्यपाल नहीं बोलया कौमर साहब ते मैं गल ना मैं जेड कर लो मैं ठीक नहीं चलो कौमर साहब तो नहीं की साडे कोले बैठो आपा बैठा गे ते थाडी मजबूरी दस दियो सानू असी शायद जेड करनी छड़ दिए मैं पूछा मैं सू मजबूरी दस दिए शायद असी जिद करना ही छड़ दिए जी भी कहते कानून गोरे है साढ़े लीडर कहते कानून काले है ठीक है नहीं चलो कुल मिला के उन्होंने की आश्वासन दिता है आश्वासन मैंने यह दिता जी सिट साहब साढ़े जेडे पूर्व नगर पिता जी साढ़े कमेटी के अध्यक्ष जी उन्होंने मैनू नंबर देता जी हुण उन्होंने मैं पूछना है टाइम देना उन्होंने मैं तो फिर असी कोई मेरे नाल जेडे मेरे सहमति के कोई 50 मैंबरस हो असी बैठ के एक दिन उदे असी तुहानू भी सद्दांगे कृपा करके तुसी भी सारे आए जी सचदेवा साहब अबरोल जी ठीक है जी तो आप उस दिन ये सानू मजबूरी दसणगे तो असी हो सकया तो इन्हों कालापन दसांगे कानून की है बाकी साढ़े तो यह बेनती है
ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੇੜ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ